नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष जीवन वैभव के पंचांग श्रृंखला में। हम आपका इस श्रृंखला में दैनिक पंचांग से अवगत कराएंगे। पंचांग का पूजा, मांगलिक कार्य एवं मुहूर्त में खास महत्व होता है। पुरातन काल से ही पंचांग देखे बिना कोई कार्य संभव नहीं होता था, जो लगभग आज भी कायम है। पंचांग के 5 अंक नक्षत्र, तिथि, योग, करण व वार होते हैं, जिसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। आज का पंचांग है 3 अक्टूबर 2022 का। अभी विक्रम संवत 2079 और शक संवत 1944 चल रहा है। तिथि अष्टमी है, जो सायंकाल 4:40 तक रहेगी, उसके उपरांत नवमी लग जाएगी। वार सोमवार है, मास अश्विन है, ऋतु शरद है और पक्ष शुक्ल पक्ष है। सूर्योदय प्रातःकाल 6:12 पर है और सूर्यास्त सायंकाल 6:06। चंद्रोदय दोपहर 1:28 पर है और चंद्रास्त 4 अक्टूबर के रात्रि 12:12 पर है। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है, जो कि 4 अक्टूबर की रात्रि 12:25 तक रहेगा, उसके उपरांत उत्तराषाढ़ा लग जाएगा। योग शोभन है, जो दोपहर 2:21 तक रहेगा, उसके उपरांत अतिकंठ लग जाएगा। करण भव है, जो सायंकाल 4:40 तक रहेगा, उसके उपरांत बालव, जो कि 4 अक्टूबर की प्रातः 3:31 तक रहेगा। अब जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अभिजीत दोपहर 11:47 से 12:36 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:12 से 3 बजे तक। गोधूली मुहूर्त सायंकाल 6:01 से 6:25 तक। अशुभ मुहूर्त राहुकाल प्रातः 7:42 से 9:11 तक। यमगंड दोपहर 10:40 से 12:10 तक। गोलिक काल दोपहर 1:38 से 3:08 तक। सूर्य अभी कन्या राशि में है और चंद्र धनु राशि में, जो कि 4 अक्टूबर की प्रातः 6:02 तक रहेगा, उसके उपरांत चंद्र धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब दिशाशूल पूर्व में है। स्वास्थ्य पूर्व की तरफ जाने वालों को सुझाव है कि उस ओर जाना स्थगित कर दें। अग्निवास पृथ्वी में है, हवन आदि कर्म के लिए यह उपयुक्त समय है। अब जानते हैं आज का व्रत त्योहार। आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है। यह 8वां दिन महागौरी को समर्पित है। इस दिन भक्तगण देवी महागौरी के स्वरूप की उपासना कर उनका आशीर्वाद पाते हैं। भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की आयु से ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपने तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती का महान गौरव प्राप्त हुआ था। इस तरह उनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से ही अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। माँ के इस रूप के पूजन से शारीरिक क्षमता के विकास होने के साथ मानसिक शांति भी बढ़ती है। माता के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको समस्याओं से मुक्त कराती है। माँ गौरी के मंत्र का जाप 108 बार करने से मानसिक शांति मिलती है और कल्याण होता है। माँ गौरी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जानते हैं आज जन्म लिए बालक बालिका का फल। 3 अक्टूबर की रात्रि 1:53 से 4 अक्टूबर की रात्रि 12:12 तक जो बच्चा जन्म लेगा, वो पूर्वा नक्षारा नक्षत्र में जन्मा बच्चा है। इसका जन्माक्षर भू ढा फा ढा है, पाया तांबा है। इनका स्वभाव विनम्र, भक्ति से परिपूर्ण व आडंबर रहित है। ये अपनी बात पर हमेशा अडिग रहते हैं। इनमें एक कवि, गीतकार या बोल दीजिए कॉपीराइटर बनने की विलक्षण प्रतिभा रहती है। यह हर कार्य को उत्साह के साथ करते हैं। अगर कोई काम गलत कर भी दें तो मानेंगे नहीं कि गलती इन्होंने की है। इनमें अजब सा आत्मविश्वास रहता है, जो इन्हें बुलंदी तक ले जाता है। इनकी आत्मबल की वजह से ही कोई भी काम को हाँ बोल देंगे, चाहे उन्हें यह काम आता हो या नहीं आता हो। यह महत्वाकांक्षी और स्वाभिमानी होंगे। ये काफी बुद्धिमान भी होंगे, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में इनका प्रदर्शन प्रशंसनीय होगा। रहस्य में विषयों को जानने की विशेष रुचि होगी। इन्हें आदर्श मित्र कहें तो उचित ही होगा, क्योंकि यह उनसे जिनसे मित्रता करेंगे उनसे मित्रता आड़े वक्त भी निभाएंगे।
अब जानते हैं आज का चौघड़िया। सुख चौघड़िया, दिन का चौघड़िया अमृत 6:12 से 7:41 तक, शुभ 9:11 से 10:41 तक, चर 1:38 से 3:08 तक, लाभ 3:08 से 4:37, अमृत 4:37 से 6:06 तक, रात का चौघड़िया चर 6:06 से 7:37 तक, लाभ 10:40 से 12:10 तक, शुभ 1:40 से 3:11 तक, अमृत 3:11 से 4:42 तक, चर 4:42 से 6:13 तक। आपको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके बता सकते हैं या मेल कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाले आकर्षक वीडियो का पता आपको जल्द से जल्द चल सके। धन्यवाद।